हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेआउट ऑफ एन ऑटोमोबाइल के बारे में। तो किसी भी गाड़ी में मेन पार्ट्स का अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है उसे हम कहते हैं लेआउट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे हमने बोर्ड पे जो है डायग्राम बना रखा है और इसमें हमने दिखा रखा है कि जो मेन पार्ट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है जो हमें चाहिए इन सभी बाकी के सभी पार्ट्स को अरेंज करने के लिए वो है फ्रेम। ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये बेसिकली हमने यहाँ पे फ्रेम बना रखा है। फ्रेम बहुत तरीके के होते हैं बट फ्रेम वो पार्ट है जिसके ऊपर बाकी के सारे पार्ट्स कसे जाएंगे, चाहे अब वो रबर के गुटके जो होते हैं उस पर रख के कसे जाएँ या किसी और तरीके से भी कसे जा सकते हैं। तो फ्रेम जो है वो मस्ट है, तो फ्रेम के ऊपर बाकी सारे पार्ट्स कसे जाएंगे। और फ्रेम का जो है स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स का लोड लेना फिर चलना आगे तो वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। तो फ्रेम जो है वो ज़्यादातर स्टील का बनाया जाता है और कोशिश यही होती है कि लाइट हो, वेट में बहुत ही हल्का हो ताकि गाड़ी जब आगे चले तो बहुत ज़्यादा भारीपन की वजह से फ्रेम के जो है उसमें एक पिकअप की कमी ना हो या माइलेज जो है वो उससे अफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर गाड़ी का फ्रेम हैवी होगा, चलने में गाड़ी भारी होगी तो ऑटोमेटिकली जो है उसमें ताकत ज़्यादा लगेगी आगे चलने के लिए, तो उसका एवरेज जो है ऑटोमेटिकली डाउन होगा। तो कोशिश ये की जाती है कि फ्रेम जो है वो लाइट बने लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत बने। तो बाकी इसके बाद जो एक पार्ट आता है वो होता है इंजन हमारे पास। तो इंजन जो है वो पावर देता है हमारी गाड़ी को। अब कितना पावर वो देगा वो डिपेंड करता है उस इंजन के स्पेसिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे इंजन जैसे हमने आगे लगा रखा है, अब ये इंजन 3 सिलेंडर का है, 4 सिलेंडर का है या 6 सिलेंडर का है, बहुत ज़्यादा दौड़ने के लिए बना है या बहुत ज़्यादा वेट उठाने के लिए बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंजन के बाद यहाँ पे आता है सबसे पहले ये जो रेड कलर की असेंबली आप देख रहे हो इसे क्लच असेंबली कहते हैं। क्लच असेंबली इंजन से कनेक्टेड रहती है, इंजन की पावर को आगे ट्रांसमिट करती है गियर बॉक्स की तरफ। गियर बॉक्स जो है वो काम करता है स्पीड वेरी करने का। अगर आपको स्पीड कम चाहिए तो आप पहले दूसरे तीसरे तक चलाते हो, ज़्यादा चाहिए फिर आप चौथे पांचवे और छठे गियर की तरफ आप जाते हो। रिवर्स में गाड़ी लेनी है तो आपको रिवर्स गियर चाहिए होता है, तो वो सारा अरेंजमेंट होता है इस गियर बॉक्स के अंदर गियर्स का। इसके बाद ये जो आप गोल शेप का जॉइंट देख रहे हो ये यूनिवर्सल जॉइंट होता है और आगे इसके प्रोपेलर शाफ्ट है। तो प्रोपेलर शाफ्ट की हमें ज़रूरत उस गाड़ी में पड़ेगी, ध्यान से सुनना, उस गाड़ी में प्रोपेलर शाफ्ट की ज़रूरत होगी जहाँ पे इंजन तो आपका आगे की तरफ है, स्टेयरिंग के पास है। जैसे आप बुलेरो ले लो, बुलेरो में इंजन आगे की तरफ है स्टेयरिंग की तरफ, और जो इंजन की पावर है वो जा रही है पीछे वाले टायरों पर। तो अब इंजन की पावर को पीछे अगर ट्रांसमिट करना है तो हमें एक शाफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इस दूरी को मिटाने के लिए। तो उस शाफ्ट को हम कहते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। ये आपको ट्रक्स में बहुत इजीली देखने के लिए मिल जाएगी, आप खड़े रहोगे तो भी आपको एक शाफ्ट जो है दिख जाएगी जो लगातार घूम रही होती है जब ट्रक चल रहे होते हैं रोड पर। प्रोपेलर शाफ्ट के बाद दोबारा से ये जॉइंट आता है और ये जॉइंट जो है कनेक्ट होता है इस बॉक्स से, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल बहुत ही मेन कंपोनेंट है, जब गाड़ी टर्न लेती है तो इसका बहुत ही मेन रोल होता है, बहुत इजीली गाड़ी को टर्न करने में मदद करता है बिना किसी टायर को स्लिप किए। तो डिफरेंशियल का बहुत ही मेन रोल होता है, बहुत इन सभी कंपोनेंट्स पे बहुत ही ज़्यादा आर एंड डी होती है, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंशियल में भी बहुत चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो शाफ्ट, ये एक्सल है। एक्सल जो है एक तरफ तो इंजन से कनेक्टेड है इनडायरेक्टली और आगे जो है ये टायर से कनेक्टेड है। अब क्योंकि सारा लोड लगभग जो है आप देख सकते हो एक्सल के एक तरीके से आ जाता है, तो एक्सल का भी बहुत ज़्यादा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्सल जो है वो ब्रेक ना हो, एक्सल टूटे ना। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टायर्स और व्हील। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सॉरी बेसिक लेआउट है, बेसिक अरेंजमेंट है पार्ट्स का फ्रेम के ऊपर। तो इस कंप्लीट को हम कहते हैं लेआउट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो अब जैसे हम बात करें सिर्फ डिज़ायर की,
तो उसमें जरूरी नहीं है यही लेआउट हो, हम बात करें लैनो की तो उसमें अलग है। अब स्विफ्ट में क्या है कि पीछे के टायर्स पे पावर नहीं जा रही है, पावर जा रही है आगे, तो ये वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है यहाँ तक पूरा। अब नैनो में अगर आपको टाटा नैनो के बारे में ना पता हो कि उसका इंजन पीछे की तरफ होता है, तो ये पूरा पार्ट जो है ये पीछे की तरफ आ जाता है, प्रोपेलर शाफ्ट खत्म हो जाती है और बहुत सारे उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग गाड़ियों में रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है लेआउट होते हैं। तो ये हमारा जो है कंप्लीट होता है यहाँ पे टॉपिक लेआउट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, यानी कोई भी सवाल हो, तो आप बेशक बेझिझक जो है पूछें कमेंट के थ्रू। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।